hello students today i am going to start the computer graphics course this is the first video lecture and this is dedicated to introduction to computer graphics in this introduction we will cover the topics the definition of computer graphics uh, different applications of computer graphics cathode ray tube and different types of display so let's start with what is computer graphics so actually what is graphics graphics is drawing a picture on some surface किसी भी सरफेस पे कोई पिक्चर को ड्रॉ करना इज जनरली कॉल्ड ग्राफिक्स एंड सरफेस है वो कुछ भी हो सकता है आपकी वॉल हो सकती है कैनवास हो सकता है कोई स्क्रीन हो सकता है पेपर हो सकता है स्टोन हो सकता है सैंड हो सकता है तो किसी भी सरफेस पे कोई पिक्चर को ड्रा करना दिस इज वॉट कॉल्ड ग्राफिक्स और यही काम जब हम कंप्यूटर पर करते हैं कि वी ड्रॉ पिक्चर्स और इमेज ऑन कंप्यूटर देन इट कॉल कंप्यूटर ग्राफिक्स ओके तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की जो डेफिनेशन है दैट इज़ इट इज़ ए रेंडरिंग टूल्स फॉर जनरेटिंग मैनिपुलेटिंग एंड स्टोरेज ऑफ इमेजेस फॉर प्रॉपर विजुअलाइजेशन यूजिंग कंप्यूटर तो कंप्यूटर ग्राफिक्स डीज विद थ्री थिंग्स फर्स्ट इज द जनरेशन ऑफ इमेजेस ठीक है कि हमें इमेज क्रिएट करनी है यूजिंग कंप्यूटर आफ्टर क्रिएटिंग वी हैव टू स्टोर द इमेजेस ओके एंड इफ़ वी रिक्वायर

यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स टू अचीव डिज़ायर्ड इमेज यानी कोई पहले से हमारे पास एक इमेज है पिक्चर है और उसको हमें अंटर करना है ट्रांसफॉर्म करना है चेंज करना है ठीक है ताकि हम जैसी पिक्चर चाहते हैं वैसा हम हमें मिल जाए फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास कोई पिक्चर है और हमें उस पिक्चर के पीछे बैकग्राउंड लगाना है किसी समुद्र का बैकग्राउंड लगाना है तो जो ओरिजिनल पिक्चर है उसमें हम क्या करेंगे एक बैकग्राउंड अटैच कर देंगे तो हमारी जो अब नई पिक्चर आएगी वो क्या होगी वो मॉडिफाइड पिक्चर होगी उसको हमने मैनिपुलेट कर लिया है उसी तरीके से जब हम किसी इमेज में से कोई एक पर्टिकुलर इमेज को क्रॉप करते हैं क्रॉपिंग क्या है इट इज़ ए मैनिपुलेशन ओके या दो या तीन इमेजेस को मिला हम एक इमेज बना दें दिस इज वॉट मैनिपुलेशन यानी कि जो हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग ओरिजिनल पिक्चर है उसको हमें चेंज करना है उसमें कुछ हमें ऐड करना है या कुछ कम करना है दिस इज वॉट कॉल्ड मैनिपुलेशन तो वी कैन डू मैनिपुलेशन ऑन इमेजेस ओके तो कंप्यूटर ग्राफिक्स इज द रेंडरिंग टूल्स मीन्स सर्विस टूल्स इट प्रोवाइड यू द टूल्स यूजिंग दीज टूल्स यू कैन क्रिएट मैनिपुलेट एंड स्टोर इमेजेस यूजिंग कंप्यूटर ओके तो होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स नेट सी द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स तो आज के समय में कंप्यूटर ग्राफिक्स हर एक फील्ड में यूज़ हो रहा है ठीक है यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज को मेंशन किया है ओके फर्स्ट वन इज़ द कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मींस हमें डिजाइन करना है यूजिंग कंप्यूटर आजकल जितने भी डिजाइन होते हैं सब कंप्यूटर के थ्रू होते हैं जनरली इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में इनका ज़्यादा यूज होता है जिसे हमें आपने ऑटो कैड यूज़ किया होगा दिस इज़ वाट कंप्यूटर एडेड डिजाइन कि किसी बिल्डिंग का हमें डिज़ाइन बनाना है ओके okay? या आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाना है कोई प्रोडक्ट है जिसको हमें डिजाइन बनाना है किसी हमें एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन बनाना है किसी हमें ऑटोमोबाइल का डिज़ाइन बनाना है किसी ज्वेलरी का डिज़ाइन बनाना है यानी कि कोई भी डिजाइन हो आज के समय में हर एक डिजाइन कंप्यूटर पर ही बनाया जाता है ओके तो, तो दिस इज़ वाइडली यूज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन द तो ग्राफिक्स आर यूज इन डिजाइन ऑफ एनी थिंग यूजिंग कंप्यूटर नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स कि आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है यूजिंग प्रोजेक्टर जैसे मैं इस वक्त आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो इसमें भी ग्राफिक्स यूज हो रहा है ओके इसमें हम बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं हम इसमें ग्राफ यूज़ कर सकते हैं इसमें हम चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं वेरियस चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को शो करने के लिए लोगों को समझाने के लिए ओके तो फॉर प्रेजेंटेशन परपज़ वी आल्सो यूज ग्राफिक्स एंटरटेनमेंट विद ऑल नोन कि आजकल दिन इंटरटेनमेंट कितना यूज हो रहा है जितने भी कार्टून्स हैं एनिमेशन हैं जो अब गाने बन रहे हैं जो मूवीज़ बन रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स का यूज हो रहा है एजुकेशन और ट्रेनिंग में भी इसका यूज होता है हम बच्चों को अगर पढ़ाना है तो हम ग्राफिकल मॉडर्न बना सकते हैं उस मॉडर्न को हम बच्चों को दिखा के आसानी से समझा सकते हैं कि ये मॉडर्न कैसे वर्क करता है हम ट्रेनिंग दे सकते हैं सपोज किसी पायलट को ट्रेनिंग देनी है तो हम उसे एक्चुअल में एयरक्राफ्ट ना देखें उसको हम पहले एक सिमलेटर ट्रेनिंग देते हैं जहाँ पे उसे फील होता है कि वो एयरक्राफ्टी चला रहा है जहाँ पे उसे महसूस होता है वो एयरक्राफ्ट चला रहा है जबकि ऐसा नहीं है तो सिमुलेशन में दैट इज़ ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में भी इसका बहुत यूज है इमेज प्रोसेसिंग मीन्स कोई इमेज है उसको हमें प्रोसेस करना है जैसे आपके पास कोई पुरानी फोटो है उसमें अब ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है हम उसे प्रोसेस करके क्या कर सकते हैं उसमें ज़्यादा क्लैरिटी ला सकते हैं तो इमेज प्रोसेसिंग इज अ वेरी वास्ट ब्रांच वेयर ग्राफिक्स आर वाइड न्यूज़ तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स का बहुत ही यूज होता है लगभग लगभग आजकल जितने भी एरिया हैं हर जगह कंप्यूटर ग्राफिक्स किसी ना किसी फॉर्म में यूज हो ही रहा है तो दीज आर द फ्यू इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स नाउ नेक्स्ट स्टार्ट विद द कैथोड और सी आर टी नाउ दिस इज द हार्डवेयर डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर डिस्प्लेइंग इमेज़स ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू हमारे टेलीविजन पे या हमारे मोनीटर पे लैपटॉप के मोनीटर पर जो ग्राफिक्स है जो फिगर है इमेज है वो डिस्प्ले होते हैं ओके दिस इज अ फेमस दिस इज वॉर्ड कॉर्न सी आर टी कैथो रेट यू ये उसका डाइग्राम है यू सी द डायग्राम दिस इज अलेक्ट्रॉन गन दिस आर कम्पोनेंट्स इलेक्ट्रॉन गन है ये ये फोकसिंग सिस्टम है दिस इज दॉरिजेंटल डिफिन प्लेन है प्लेट्स हैं वर्टिकल डिफिनक्शन प्लेट्स हैं और ये आपकी स्क्रीन है ठीक है ये आपकी स्क्रीन है जो कि फॉसोरस कोटेड है दिस इज योर फॉसोरेस कोटेड स्क्रीन है और ये जो आपको दिख रही है नाइन दिस इज द इलेक्ट्रॉन बीम तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन बीम ठीक है तो ये इलेक्ट्रॉन गन है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को फायर करता है इलेक्ट्रॉन्स क्या है कैथोड रेज हैं ओके तो कैथोड रेज को यहाँ फायर करता है और ये जो बीम है वो जाके इस फॉसोरस कोटेड स्क्रीन पे हिट करती है और जिस पॉइंट पर ये हिट करेगी वहाँ पे क्या होगा आपको नाइट दिखाई देगी हम जानते हैं फॉस्फोरस एक ऐसा मटेरियल है जिस पर अगर कोई चीज़ हिट करेगी कोई एनर्जी हिट करेगी तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे नाइट जनरेट होती है कुछ समय के लिए और उसके बाद वो नाइट फेड हो जाती है तो ओके तो स्क्रीन पर जहाँ पर भी हमें नाइट दिखानी है वहाँ पर हमें इसको हिट करना होता है ओके तो ये जो मैकेनिज़्म है जो आपका फोकसिंग मैकेनिजम है और ये डिफ्लेक्शन के लिए मैकेजम है इससे हम डिसाइड करते हैं कि ये बीम किस जगह जाके इस फॉस्फोरेट कोटेड स्क्रीन पे हिट करेगी तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन गन इट्स जॉब इज टू फायर द कैथोड रेज दिस इज द फोकसिंग सिस्टम इसका काम है कैथोड रेज जिसको उसने फायर किया है उसको एक डायरेक्शन के अनॉन्ग फोकस करना है ओके ताकि वो रेज जो है इधर उधर ना जाए इट मूव्स अनोंग ए सिंगल डायरेक्शन ओके दिस इज द जॉब ऑफ फोकसिंग सिस्टम यहां के पे आपका होजेंटल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं ये क्या करते हैं कि इस बीम को होजोनटली और वर्टिकली डिफ्लेक्ट करते हैं ओके okay, जो आपकी स्क्रीन है तो ये डिफ्लेक्शन प्लेट इसको होजेंटल डायरेक्शन के नॉन्ग डिफ्लेक्ट करता है और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट इसी बीम को वर्टिकल डायरेक्शन के अनॉंग इसको डिफ्लेक्ट करता है और अकॉर्डिंगली जैसे ये है यहाँ से इसने वजटली करना है और इसको वर्टिकली करना है और जो इसको डायरेक्शन मिला यहाँ पे आके उसने हिट किया है तो दिस इज द पॉइंट यहाँ पे इस बीम ने आके इस फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन को हिट किया है ओके और इस जगह पे आपको नाइट दिखाई देगी कुछ समय के लिए ओके दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फोरस अब अगर आप चाहते हैं ये नाइट कंटिन्यूस विजिबल हो ये नाइट फेड ना हो पाए बराबर हमें नाइट दिखाई दे तो हमें करना क्या होगा कि इस पॉइंट पर बराबर इस बीम को हिट करते रहना होगा ओके okay? तो किस रेट से इसको हिट करा जाए ताकि यहाँ पे जो नाइट इमिट हुई है वो आपको कंटिन्यूसली विजिबल हो इससे हम कहते हैं रिफ्रेश रेट दिस इज कॉल्ड रिफ्रेश रेट तो जनरली जो रिफ्रेश रेट होता है वो होता है सिक्सटी टू एट्टी टाइम्स इन ए मिनट यानी एक मिनट में ये बीम इस पॉइंट को सिक्सटी टू एट्टी टाइम्स हिट करेगी तो ये इस जगह पे इस पॉइंट पे जो आपको डाइट विजिबल होगी वो आपको कंटिन्यूसली दिखेगी वो डाइट फेड नहीं हो पाएगी ओके okay? तो so, जिस हमें ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर ये हिट करती है उसको हम कहते हैं डॉट ओके तो इस पॉइंट है जिसको हम कहेंगे डॉट ओके तो दिस इज द कैथोड रे ट्यूब दैट इज़ यूज इन आवर टेलीविजन्स और मॉनिटर्स ओके दिस यूजेज द रेज टू डिस्प्ले द इमेजेज ऑन द फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन ओके नाउ डेस्ट अंडरस्टैंड सम बेसिक्स बिफोर मूविंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले ओके तो वी हैव वी हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इज पिक्सल रिजोल्यूशन एंड एस्पेक्ट रेस्यू तो वॉट इज ए पिक्सल ओके तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि जो आपकी स्क्रीन है ओके okay? जो आपकी ये स्क्रीन है जो फॉस कोटेड स्क्रीन है ये आपकी टू डायमेंशनल एरे के फॉर्म में है ओके दिस इज इन द फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल एरे ठीक है ये देखिए जो स्क्रीन थी वो आपको इसको ऐसे देखना है कि जो स्क्रीन है इट इज ए टू डायमेंशनल एरे ठीक है जहाँ पे रो होंगे और कॉलम्स होंगे ओके और ये जो एक सेल है जैसे दिस इज़ द सेल ओके इसको हम कहते हैं डॉट जिस जो हमने अभी बताया था कि इस फिगर में ये जो बीम है एक पॉइंट पे आकर हिट करेगी दैट इज़ उस पॉइंट को हम कहते हैं डॉट ओके तो वो जो डॉट है दैट इज वी कॉर्न पिक्सल ओके तो दिस इज द डॉट ठीक है और इसका एड्रेस है ये इसका जो है ये आपका क्या है कॉनम है और ये आपकी रो है तो कॉनम और रो आपको पता है तो इस जगह पे आपको हिट करना है तो व्हाट इज अ पिक्सन पिक्सन इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट साइज ऑब्जेक्ट और कलर स्पॉट दैट कैन बी डिस्प्लेड एंड एड्रेस्ड ऑन मॉनिटर यानी पिक्सन वो डॉट है और पॉइंट है मॉनिटर पे जिसको कि आप एड्रेस कर सकते हैं मतलब उसकी एक नोकेशन होगी जैसे इसकी नोकेशन क्या है थ्री फाइव क्योंकि ये जो स्क्रीन है वो आपकी टू डायमेंशनल एरे के फॉर्म में है तो हर एक पिक्सल का एक लोकेशन होगा ओके तो जैसे इसका थ्री फाइव है जिसको आप एड्रेस कर सकते हैं और इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कि इस पॉइंट को आपको विजबुल करना है और किस कलर में विजबन करना है ओके okay? तो दूसरे सेंस में कहें कि जो आपकी स्क्रीन है ये पिक्सल से मिल के बनी हुई है अगर आप इस स्क्रीन को माने तो इसमें आप देखेंगे कि देयर आर एट रोज हैं और कितने हैं कॉलम्स ट्वेल्व तो ये एट बाई ट्वेल्व की ग्रिड है एरे है और एट मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व कितना होता है दैट इज़ नाइन्टी सिक्स ओके तो देयर आर नाइन्टी सिक्स पिक्सल्स इन दिस स्क्रीन हम कहेंगे कि ये स्क्रीन 96 सिक्स पिक्सन से मिलकर बनी है ओके okay? और हमें जिस पिक्सन को इल्यूमिनेट करना होता है तो उस पिक्सन को हमें टारगेट करना होता है और जिस कलर से इल्यूमिनेट करना होता है उस कलर से उसको हमें टारगेट करना होता है तो जब वो बीम इस जगह पर हिट करेगी विद रेड कलर तो ये आपको यहाँ पर रेड लाइट एमिट होगी और हमें स्क्रीन पर रेड कलर दिखाई देगा इस पॉइंट पे ओके तो आवर स्क्रीन इज

कि कोई इमेज है वो इमेज कितने पिक्सल से मिन के बनी है या कोई डिस्प्ले डिवाइस है उसका जो स्क्रीन है वो कितने पिक्सल्स से मिन के बना है इट इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन ए डिजिटल इमेज और ए डिस्प्ले इट इज डिफाइंड एज विथ बाई हाइट डब्ल्यू इंटू एच इसका डिफाइन करते हैं कि कितने रो हैं और कितने कॉलम्स हैं तो दिस डिफाइंस द रो दिस डिफाइंस द कॉलम्स ठीक है तो डब्ल्यू इज द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स एंड एच इज नंबर ऑफ वर्टिकल पिक्सर्स तो अगर आप इस फिगर को देखें तो इसका डब्ल्यू कितना होगा एट और एच कितना होगा ट्वेल्व तो डब्ल्यू बताता है कितने हॉरिजॉन्टल नाइन हैं और कितने बी बताता है कितने वर्टिकल्स नाइन हैं तो ये जो स्क्रीन है इसका जो रिज्यूशन होगा वो होगा एट बाई ट्वेल का होगा ओके तो इसी तरीके से जो भी स्क्रीन होती है मॉनिटर होता है चाहे कंप्यूटर है चाहे आपका टेलीविज़न है जो भी स्क्रीन है डिस्प्ले डिवाइस है उसका कोई ना कोई रेजोल्यूशन होता है ओके उसी तरीके से जो इमेज होती है वो भी पिक्सल से मिल बनती है तो उस इमेज का भी रेजोल्यूशन होता है कि ये इमेज कितने पिक्सल से मिल बनी है ठीक है ना जैसे कि अगर हम कहें कि फोटो है डिजिटल फोटो है और वो है थ्री जीरो एट एट पिक्सल्स वाइड बाई टू थ्री टू जीरो टॉल ठीक है यानी थ्री ज़ीरोट एट बाई टू थ्री टू जीरो पिक्सल्स की इमेज है हमारे पास ठीक है तो उसका रिजोल्यूशन कितना हो जाएगा थ्री जीरो एट एट बाई टू थ्री टू जीरो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें थ्री जीरो ऐट एट इंटू टू थ्री टू जीरो तो ये बन जाएगा दिस वन यानी इतने पिक्सल से मिल के वो इमेज बनी है और इसको अगर हम मेगा पिक्सल में कन्वर्ट करें तो दिस बिकम सेवन मेगा पिक्सल इसका मतलब जो इमेज है वो सेवन मेगा पिक्सल की है यानी कि अगर उसे जिस कैमरे से खींचा गया है बेसिकली वो सेवन मेगा पिक्सल का कैमरा रहा होगा ओके okay? तो आपने सुना होगा कि कोई भी जैसे एंड्रॉयड फोन यूज़ करते हैं कि कितने मेगा पिक्सल का कैमरा है ट्वेल्व मेगा पिक्सल का कैमरा यानी कि अगर ट्वेल्व मेगा पिक्सल का कैमरा है तो वो जो इमेज लेगा वो ट्वेल्व मेगा पिक्सल से मिन के इमेज बनेगी ओके okay? तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा इमेज की क्वालिटी अच्छी होती जाएगी ठीक है ना जैसे कि अगर आप इमेज दिया है आपने जिस कैमरे से उसका रिजोल्यूशन था सिक्स फोर्टी बाई फोर एट्टी और एक दूसरा कैमरा है उसने दिया है वन जीरो टू फोर बाई सेवन सिक्सटी एट तो इसमें पिक्सल्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू दिस वन इसका मतलब तो जिसमें जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे वो इमेज उतनी ज़्यादा क्लियर होगी उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी ठीक है ना तो जैसे एच डिस्प्ले होता है हाई डेफिनेशन अगर स्क्रीन है तो उसका रिजोल्यूशन होता है वन नाइन टू जीरो बाई वन जीरो एट जीरो पिक्सल्स यानी अगर कोई कहता है कि इसकी स्क्रीन जो है एच डिस्प्ले है इसका मतलब कि उसका जो रिजोल्यूशन होगा वो वन नाइन टू जीरो बाई वन जीरो एट जीरो पिक्सल्स का होगा दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एच डी डिस्प्ले ओके तो जो भी स्क्रीन होती है जो इमेज होती है उसको हम डिफाइन करते हैं कि उसका रिजोल्यूशन क्या है जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा इतना मतलब उतने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे और जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको मिलेगी नाउ एक्सप एक्सपेक्ट रेशियो तो वी टॉक अबाउट रिजोल्यूशन और एक्सपेक्टेशन दोनों में किसी एक ही बात करते हैं जनरली आजकल हम लोग एक्सप्रेक्ट रेशियो की बात नहीं करते हैं रिजोल्यूशन की बात करते हैं एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स टू द होजोनटल पॉइंट्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस इक्वल ने इन बोर्ड डायरेक्शन ऑन द स्क्रीन ओके तो अगर एक्सपेक्ट रेशियो थ्री बाई फोर है इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई वर्टिकल नाइंस नोट कर रहे हैं विथ थ्री पॉइंट्स तो उतना ही लेंथ की अगर हम हॉजोंटल लेंथ नोट करेंगे तो हमें फोर पिक्सल्स लगेंगे यानी कि सेम लेंथ अगर आप नोट करना है हॉर्जोंटली तो कितने पिक्सल्स लगेंगे और अगर उसी लेंथ को हम वर्टिकली ड्रॉ करेंगे तो कितने पिक्सल्स लगेंगे उसका जो रेशियो होता है वो होता है एस्पेक्ट रेशियो ओके तो यानी एक्सपेक्ट रेशियो होता क्या कोई इमेज का कि इट इज अ रेशियो विथ ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द इमेज यानी कि जो इमेज है उसके विथ और हाइट का रेशियो क्या होता है तो ये आप देख सकते हैं कॉमनली यूज एस्पेक्ट रेशियोज हैं अगर कोई इमेज का एस्पेक्ट रेशियो वन पॉइंट थ्री है और इसको आप चेंज कर दें तो आपकी जो फिगर है वो ब्लर हो जाएगी तो आपको ये ध्यान रखना रहता है कि जो भी इमेज जिस एस्पेक्ट रेशियो की होती है उसे हमेशा उसी एस्पेक्ट रेशियो में ही देखना चाहिए तभी आपको ओर दिखाई देगी ओके तो जनरी वी टॉक अबाउट रिजोल्यूशन नॉट एस्पेक्ट रेशियो नाउ डेज तो नाउ नेक्स्ट स्टार्ट विद रेस्टर स्कैन डिस्प्ले तो दे आर टू टाइप्स ऑफ डिस्प्ले रेस्टर स्कैन डिस्प्ले और रैंडम स्कैन डिस्प्ले तो एक एक करके देखते हैं रेस्टर मतलब क्या होता है इट इज़ ए रेक्टेंगुलर कनेक्शन ऑफ डॉट्स और पॉइंट्स यहाँ डॉट्स और पॉइंट्स का मतलब है पिक्सल्स ओके तो ये आपकी स्क्रीन है और ये पिक्सल्स से मिलकर बनी है ये होजोनटल नाइंस हैं ठीक है इसको हम स्कैन लाइन कहते हैं ठीक है और ये होजोन्टल लाइन में कितने पिक्सल्स होंगे जितने वर्टिकल नाइन्स होंगी तो रेस्टर स्कैन में जब किसी इमेज को ड्रॉ किया जाता है तो जो सी की इलेक्ट्रॉन गन की बीम होती है वो कैसे काम करती है वो फर्स्ट नाइन के फर्स्ट पिक्सन से के एक, एक, एक मूव करती है और जब फर्स्ट नाइन पूरा रीड कर देती है तब वो स्टार्ट करती है सेकंड होजोन्टल नाइन को देन थर्ड देन फोर्थ एंड फाइनली लास्ट वन और वन के बाद फिर से फर्स्ट नाइन पे फोकस करती है तो जब ये इस नाइन के दौरान मूव करता है बीम तो हमें डिसाइड करना होता है कि इस हॉरिजॉन्टल नाइन को जितने भी पिक्सल्स हैं किसको हमें ऑन करना है और किसको ऑफ़ करना है ऑफ़ करने का मतलब है कि उस पिक्सल्स को हमें कोई कदर से हिट नहीं करना है ठीक है वो उसका जब बैकग्राउंड होता है वही रहेगा अगर जिसको हमें एलुमिनेट करना है उसको हमें हिट करना है तो दिस इज एमेज तो इन दिस सिस्टम ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड अक्रॉस द स्क्रीन इट मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम कंसीडरिंग वन रो एट ए टाइम तो जो बीम है आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है वो टॉप से बॉटम नाइन बाय नाइन स्वीप करती है ठीक है ना और इस नाइन पर जितने पिक्सल्स हैं उनको उसे हिट करना है कि नहीं करना है ये डिसाइड होता है कि किस तरह की इमेज आपको डिस्प्ले करनी है एज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू ईच रो इस इंटेंसिटी इज एंटर टर्न ऑन एंड ऑफ विच हेल्प टू क्रिएट ए पैटर्न ऑफ स्पॉर्ट्स डेटा इनटेड तो अगर किसी पिक्सल पे आपने बीम को टर्न ऑफ कर दिया है तो वहाँ पे बीम हिट नहीं करेगी तो वो पिक्सल आपको एल्यूमिनेट नहीं होगा और जिस जिस पिक्सल्स पे बीम हिट करेगी इट मीन्स उस पिक्सल्स को आप टर्न ऑन कर रहे हैं ठीक है ना तो आपको डिसाइड करना है कि किस पिक्सल्स को आपको शो करना है विजिबुल दिखाना है और किस पिक्सर्स को आपको विजिबुल नहीं दिखाना है ओके तो दिस इज द रेस्टर स्कैन डिस्प्ले एंड द पिक्चर जो होती है स्टोर्ड होती है पहले से ही एक बफर में एक एरे में जिसे हम कहते हैं फ्रेम बफर तो जिस पिक्चर को डिस्प्ले कराना होता है सी के थ्रू वो पिक्चर ऑलरेडी स्टोर रहती है एक मेमोरी होती है वो कहते हैं फ्रेम बफर तो फ्रेम बफर की साइज़ कम से कम जो इमेज होती है उसकी साइज़ से बड़ी होनी चाहिए ठीक है और ये डिपेंड करता है कि क्वालिटी क्या है क्वालिटी से डिटरमाइन होती है नंबर ऑफ पिक्चर्स विच इज़ डिटरमाइंड ऑफ़ द इमेज और उस इमेज जो आपको डिस्प्ले हो रही है उसकी जो क्वालिटी है ये डिसाइड करती है कि उस इमेज का उस स्क्रीन का रिजोल्यूशन क्या है जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी आपको नज़र आएगी ठीक है ना और यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट होता है वो होता है सिक्सटी टू एट्टी फ्रेम्स पर सेकेंड हमने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन बीम किसी पॉइंट पर हिट करती है तो वहाँ पर एन्यूमिनेशन होता है और वो एल्यूमिनेशन कुछ क्षण के लिए होता है उसके बाद वो एनुमशन फेड हो जाता है तो अगर हमें किसी पिक्सल को बराबर एनुमिनेट करते रहना है वो बराबर विजबुल रहे उसे हमें बार बार हीट करना पड़ता है तो हीट करने का जो रेट होता है उसे हम कहते हैं रिफ्रेंस रेट वो रजिस्टर स्कैनर केस में सिक्सटी टू एट्टी फ्रेम्स पर सेकेंड ओके इसका मतलब है कि ये जो काम हो रहा है ये बीम यहाँ से मूव करके यहाँ पर आई फिर यहाँ से मूव करके यहाँ पर आई और फाइनली यहाँ पर आई दिस इज़ वन साइकिल फिर इसने यहाँ से स्टार्ट करेगी दिस इज अ सेकेंड साइकिल

हम सिर्फ उन्हीं पिक्सल्स को हिट करते हैं जो इमेज का हिस्सा होते हैं ठीक है ना जैसे कि हमें ये नाइन ड्रॉ करनी है ठीक है ये आपकी स्क्रीन है यहाँ पे हमने हिट किया यहाँ से हमने इस नाइन को ड्रा किया यहाँ से हमने इस नाइन को ड्रा किया और यहाँ से हमने इस नाइन को ड्रा किया ठीक है तो यहाँ से यहाँ गए यहाँ से यहाँ गए और फिर इसको मूव किया तो जो हमें ट्रैंग ड्रॉ करना था तो उस ट्रैंग को बनाने के लिए जिन पिक्सर्स को हमें हिट करना था सिर्फ उन्हीं पिक्सल्स को हमने हिट किया है बाकी पिक्सल्स को हमने टच भी नहीं किया है जबकि रजिस्टर स्कैन में आपको स्क्रीन में जितने भी पिक्सल्स हैं सबको आपको स्कैन करना पड़ता है और किस पिक्सल्स को आपको एनोमेट करना है उसको आपको हिट करना होता है और जिसको नहीं करना होता उसको आपको छोड़ना होता है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर उन्हीं पिक्सल्स को हमें हिट करना है जो इमेज का हिस्सा है बाकी पिक्सल्स को हमें रिलीज कर देना है उनको नहीं देखना है रैंडम स्कैन ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टेड ऑनली टू द स्क्रीन एरियाज वेयर एनी पिक्चर हैज़ टू डिस्प्लेड और ड्रॉन ऑन द स्क्रीन तो उन्हीं जगह पर हिट करना है स्क्रीन पर जहाँ पर पिक्चर को ड्रॉ करना है इट इज एसो कॉल्ड वेक्टर डिस्प्ले और पिक्चर इन द फॉर्म ऑफ नाइन इसमें दूसरी जो खासियत है, है कि इसमें जो पिक्चर ड्रा होती है वो इट इज़ ए पिक्चर इज डिफाइंड एज ए कनेक्शन ऑफ नाइन्स ठीक है ना तो जो भी पिक्चर आपको डिस्प्ले करनी है रैंडम स्कैन में उस पिक्चर को आपको डिफाइन करना होगा एज ए कनेक्शन ऑफ लाइन्स इज ट्रैंग है तो इट इज़ ए कनेक्शन ऑफ थ्री लाइन्स ओके इसी तरीके से कोई भी इमेज है चाहे किसी इंसान की इमेज हो उसको भी आपको पहले डिफाइन करना होगा एज ए कनेक्शन ऑफ लाइन्स ओके तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रैंडम स्कैन कि आपको कोई भी इमेज है जैसे डिस्प्ले कराना है वी हैव टू डिफाइन एज ए कनेक्शन ऑफ लाइन्स तो रैंडम स्कैन मॉनिटर्स आर यूज टू पिक्चर वन नाइन एट ए टाइम वही चीज़ है कैथोड रे जो होती है वो वहीं पे हिट करती है उन्हीं एरियाज को हिट करती है जहाँ पे आपको पिक्चर को डिस्प्ले करना है ठीक है ना और जो पिक्चर होती है जिसको कि हमें डिस्प्ले करना, करना होता है उसको हमें डिफाइन करना होता है ए सेट ऑफ कमांड्स फॉर नाइन्स यानी पिक्चर हैज़ टू बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ नाइंस और जो रिफ्रेश रेट है ये डिपेंड करता है कि एक नाइन को आप एक सेकंड में कितनी बार ड्रॉ करते हैं दिस इज थर्टी टू सिक्सटी टाइम्स इन अ सेकेंड यानि कि अगर किसी नाइन को आपको बराबर विजिबल दिखाना है तो उसको एक सेकेंड में तीस से साठ बार उसके पिक्सल्स को हिट करना होगा कंटिन्यूसली तब जाके वो नाइन आपको बराबर विजिबल दिखाई देगी ओके तो दिस इज द रैंडम स्कैन डिस्प्ले नाउ दिस इज द डिफ्रेंस रैंडम स्कैन डिस्प्ले का जो सबसे बड़ा डिसएडवाटेज है कि इसमें आप रियलिस्टिक पिक्चर डिस्प्ले नहीं कर सकते जैसे कोई आपको सीनरी शो करनी है तो उसमें नहीं आ पाएगी क्योंकि हर चीज़ को आप नाइन्स के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते तो रियलिस्टिक पिक्चर के लिए वी यूज रेस्टर स्कैन और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए जो इंजीनियर्स यूज करते हैं आर्किटेक्चर यूज करते हैं वहाँ पे हम रैंडम स्कैन को यूज करते हैं ओके तो इन रेस्टर स्कैन इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन इंटायर स्क्रीन टू ड्रॉ पिक्चर जिसने मैंने देखा कि पूरे स्क्रीन को उसको स्कैन करना होता है सारे पिक्सल्स को इसको स्कैन करना होता है और रैंडम में इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन ऑनली द पार्ट ऑफ द स्क्रीन वेयर पिक्चर इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट और रैंडम में हमें स्क्रीन के उन्हीं एरियाज को कंसनट्रेट करना होता है जहाँ पर पिक्चर को ड्रॉ करना है ठीक है इट हैज़ नो रिजोल्यूशन इट हैज़ हाई रेजल्यूशन ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड एज ए सेट ऑफ डिस्क्रीट इंटेंसिटी वैल्यूज इन फ्रेमर इस केस में क्या होता है जो पिक्चर होती है जिसको डिस्प्ले करना होता है वो स्टोर होती है फ्रेम बफर में ओके okay? यहाँ पे जो पिक्चर होती है स्टोर्ड होती है एज नाइन ड्राइंग कमांड्स मैंने बताया था कि रैंडम में जो भी पिक्चर आपको डिस्प्ले करनी है उसको आपको डिफाइन करना होगा एज ए कनेक्शन ऑफ नाइन्स ओके इंटेंसिटी वैल्यू सॉर्टेड फॉर ईच पिक्चर इट डिस्प्लेड रियनिस्टिक सीन्स एंड इट कैनॉट डिस्प्ले रियलिस्टिक सीन्स मैंने बताया कि डिस्टर स्कैन से आप रियनिस्टिक पिक्चर्स को शो कर सकते हैं कोई सीनरी है उसको आप शो कर सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी मगर रजिस्टर स्कैन से रियलिस्टिक पिक्चर्स की क्वालिटी बहुत डिग्रेड होकर आएगी उतनी अच्छी नहीं आती है पिक्सर लोकेशन और स्क्रीन इज यूज टू तो ड्रॉ ड्रॉइन इमेज मैथेमेटिकल फंक्शन आर यूज टू ड्रॉ इमेज तो यहाँ पर पिक्सल्स को यूज़ किया जाता है टू तो ड्रॉ इमेज यहाँ पर मैथेमेटिकल फंक्शन यूज़ होते हैं तो नाइन हमें ड्रॉ करनी है तो नाइन की क्वेश्चन यूज़ करनी पड़ेगी दिस इज द बेसिक डिफ्रेंसेस बिटवीन रैंडम स्कैन वर्सेज रजिस्टर स्कैन ओके So in this video lecture, what we have learned today, that is what is computer graphics, what are the different applications of computer graphics, what is a pixel, what is resolution, what is aspect ratio, what is random scan, raster scan and what is the difference between random and raster scan. Hope you have understood all these topics. Please do share, like, share and subscribe the channel. Thank you.